दोस्तों हमें ग्राउंड पर आ जाने के बाद हमें सही से प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप किसी भर्ती की तैयारी करते हो या किसी भी इवेंट की तैयारी करते हो, चाहे उसमें 1600 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, चाहे 200 मीटर हो, या एथलेटिक्स का कोई भी इवेंट हो, आपको सही से प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छे से बढ़ेगा। समझो आप ग्राउंड पर आ जाते हो और ग्राउंड पर आ जाने के बाद आप विदाउट स्टिचिंग, जब आप ग्राउंड पर आ जाते हो डायरेक्ट रनिंग चालू करते हो, कुछ स्टिचिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते हो, डायरेक्ट रनिंग करते हो चलो, इसके वजह से आपको इंजरी हो जाती है, जहाँ पर आपका नेपेन हो सकता है, शिन पेन हो सकता है, कई पर इंजरी हो सकती है। और आप जो जॉगिंग करने के बाद डायरेक्ट आप फास्ट रनिंग करते हो और उसके बाद आ जाने के बाद आप स्किपिंग चालू करते हो, डायरेक्ट बड़े बड़े जंप लगाते हो, तो ये बिल्कुल दोस्तों बहुत गलत है। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, इसे आपको बिल्कुल नहीं करना। नहीं, इससे आपको इंजरी तो होगी होगी, लेकिन आपका इम्प्रूवमेंट, रनिंग का जो इम्प्रूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर आप विदाउट इंजरी एक्सरसाइज करना चाहते हो दोस्तों, आपको पहले ग्राउंड पर आ जाना है। दोस्तों हमें ग्राउंड पर आ जाने के बाद आप जो डायरेक्ट रनिंग चालू करते हो दोस्तों, बिल्कुल ही गलत है। आपको सबसे पहले आपको इस तरह से लाइटली स्टिचिंग करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से आपको साइड को स्ट्रेच करना है। आपकी जो साइड मसल है, आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, आपका जो क्वाड्रिसेप है, इस तरह से आपको लेग को उठा के चेस्ट तरह उठाना है, इस तरह से आपको स्टिचिंग करना है। और इससे दोस्तों आपका क्या होगा, इससे आपकी दोस्तों जो आपकी बॉडी जो टाइट होती है, आपने जब पहले दिन अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और उसके वजह से दोस्तों आपकी जो टाइटनेस है वो दूर हो जाती है। आप जब डायरेक्ट रनिंग चालू करते हो दोस्तों, बिल्कुल गलत है। आपको धीरे धीरे इस तरह से आपको स्ट्रेचिंग करना है, जिससे वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपकी जो बॉडी वो वार्म एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाएगी। और आप जो कहते हैं ना, नी पेन होता है, सीन पेन होता है, वो इंजरी नहीं होगी। और इसके बाद आपको लाइटली जॉगिंग करना है, 10 या 15 मिनट जॉगिंग करना है। और आपको दोस्तों बिल्कुल स्लो जॉगिंग करना है, इस तरह से आपको स्लो जॉगिंग करना है। ऐसे आप 400 मीटर के 4 या 5 राउंड लगा सकते हैं, जैसे कि आप 10 या 15 मिनट जॉगिंग कर सकते हैं। और जॉगिंग ख़त्म होने के बाद हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। हम जैसे स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें लेग को अप करना है, साइड को लेग अप करना है, अच्छे से लैटर स्ट्रेच कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग मसल, आपका काप मसल, ये सभी स्ट्रेच करना है। ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से देखना। और दोस्तों ये जो वार्म अप एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल आपको अच्छे तरह से करना है। इससे दोस्तों आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए, वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएगी। आपकी जो इंजर हो जाती है बिल्कुल नहीं होगी, आपकी बॉडी का अच्छा वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाती है। और आपका दोस्तों जो ब्लड सर्कुलेशन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे वजह से आपका जो सांस फूलती है वो भी बंद हो जाएगी, आपकी सांस बिल्कुल नहीं फूलेगी। इस तरह से आपको लाइटली अच्छे से स्ट्रेच करना है, सभी एक्सरसाइज आपको अच्छे से करना है। और दोस्तों अच्छे से देखना किस तरह से लड़के कर रहे एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। और ये वार्म एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, और ये जो सभी एक्सरसाइज है दोस्तों आपको रोज करना है, आपको रेगुलर इस वर्कआउट को करना है। ये जो वार्म एक्सरसाइज है, इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे। और उसके बाद वार्म ख़त्म होने के बाद हम कुछ स्टैंड लगाएंगे। हम 100 या 80 मीटर के एक या दो स्टैंड लगा सकते हैं, और ये सभी वार्म एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। और ये जो सभी एक्सरसाइज है दोस्तों आपको करना ही करना है, तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छे से बढ़ेगा, आपको कहीं भी इंजर नहीं होगी। और आपको, आप जो कहते हैं ना, आपको सांस बहुत फूलती है, तो इसकी वजह से सांस फूलते हैं, क्योंकि जब जो आप ग्राउंड पर आ जाते हो डायरेक्ट रनिंग चालू करते हो, इसके वजह से आपके बहुत सांस फूलते हैं। आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे करना चाहिए, तभी आपकी सांस बिल्कुल नहीं फूलेगी और आपकी बॉडी एक अच्छी वार्म हो जाएगी। और उसके बाद आप जैसे आप वर्कआउट भी कर सकते हो, और इससे भी आपका बहुत परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपकी रनिंग की इम्प्रूवमेंट बेस्ट होगी। ये सभी एक्सरसाइज आपको करना है अच्छे से, इसके वजह से आपका 100% इम्प्रूवमेंट होगी होगी।
ऐसे हमें वार्म एक्सरसाइज करना चाहिए, तभी आपका बहुत फर्क पड़ेगा। और ऐसे आपको रोज करना है, रोज पहले ग्राउंड पर आ जाना है, अच्छे से वार्म एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद आपका जो वर्कआउट है वो करना है, और उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग करना है, और स्ट्रेचिंग अच्छे से करना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद आप नेक्स्ट दिन आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो, इसलिए आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।